घनश्याम नायक जी तो वो जो नहीं है, और उनके साथ भी बहुत बदतमीजी देखी मैंने कई बार। उस क्राइम में जब गई एक दिन तो मैंने उनको पूछा कि क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मुझे सोहिल ने ऐसे बुलाया, बहुत चिल्लाया मेरे ऊपर। लेकिन ये बात आपकी सच है कि एक ही कैरेक्टर आप करते हैं तो शायद आपके अंदर वो चीज़ आ जाती है, छोड़ के जाती है तो दुख तो होता है, काम कभी रुकने वाला है नहीं। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि जेनिफर मिस्त्री के बाद तारक मेहता सीरियल में काम कर चुकी बावरी ने भी कुछ ऐसा खा है कि उनके साथ सेट पर क्या क्या होता था, तो इसी के चलते तारक मेहता शो की बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता को लेकर कुछ ऐसा खा जा रहा है जो आपको भी चौंका देगा। चलिए जानते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो की अभी कंट्रोवर्सी कितनी ज्यादा चल रही है, सब जगह इनके ऊपर वीडियोस बनाए जा रहे हैं, पता जा रहा है कि शो में काम करने वालों के साथ बुरा किया जाता है, उनके पैसे रोक लिए जाते हैं। इसके चलते हाल ही में कुछ सेलिब्रिटी ने तारक मेहता शो को छोड़ दिया है। सेट पर चल रहे काफी सालों की बातें लोगों को पता चली, यानी कि बावरी का रोल निभाने वाली मोनिका भदौरिया ने बताया हमें आसित कुमार मोदी उनसे ठीक से बात नहीं करते थे, उनसे उल्टे सीधे सवाल पूछते थे। इसके चलते आसित मोदी के खिलाफ कहा जा रहा है कि ये महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, उनके पैसे रोक के बैठ जाते हैं। ये शो को मोनिका भदौरिया ने काफी टाइम पहले छोड़ दिया था। उन्होंने मीडिया में बताया कि शो में जेठालाल के साथ कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर उनके साथ ऐसा कर लिया जाए तो शो ही बंद हो जाएगा, क्योंकि पूरा शो उन पर ही टिका है। मोनिका का ये भी कहना है कि शो में बबीता जी का किरदार निभाने वाली मुनमुन दत्ता को भी शो में आसित मोदी ने काफी परेशान किया है, यानी कि मुनमुन दत्ता कई बार शो को छोड़ चुकी है, जहां मुनमुन को काफी टॉर्चर किया जाता था। मुनमुन दत्ता का आसित मोदी से झगड़ा हुआ था, इसके चलते मुनमुन कई कई दिन तक वापस नहीं आती थी। मोनिका का कहना है कि शो में और भी कई स्टार हैं जिन्हें पहले परेशान करते हैं और फिर वे शो छोड़ते हैं तो फिर शो वाले उन्हें मनाते हैं और वापस शो में काम करने के लिए बोलते हैं। आपको बता दें कि तारक मेहता शो का काला असर जब से बाहर आया है आसित मोदी पर लगाए गए आरोप का अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। दोस्तों इस बात में आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।